हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम सीख रहे हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी बातें। सो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, वो वीडियो होने वाला है ब्रश से रिलेटेड, कि ब्रश कैसे यूज़ करते हैं, ब्रश का काम क्या है और ब्रश को डाउनलोड कैसे करते हैं, ब्रश कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप में ब्रश का क्या काम है, ब्रश कैसे यूज करेंगे, क्या क्या करेंगे ब्रश को लेकर, ये सारी चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे ब्रश का सिंबल आपको मिलेगा, यहाँ पे दिस इज द ब्रश। इसमें आप क्लिक करेंगे ब्रश टूल, तो आपके हाथ में एक ब्रश टूल आ जाएगा ऐसा। अभी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। बड़ा छोटा करने के लिए क्या करना है, बड़ा छोटा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट से ये छोटा होता है एंड क्लोज करली ब्रैकेट से, ये क्लोज करली ब्रैकेट से बड़ा होता है, मतलब इससे ये छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी हम यहां पे ऐसे बड़ा करके रख सकते हैं, ऐसे रख लिया। जैसे आप ब्रश पे क्लिक करते हैं ना, ऊपर में कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ब्रश से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है, पहले मैं एक एक करके ऑप्शन समझा देता हूं, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। सो यहां से आप एक नया लेयर लेके रखो। तो पहला ऑप्शन जो है ब्रश में, वो है कि टाइप ऑफ ब्रश, यानी कि ब्रश की लाइब्रेरी है ये, जहां से आपको किस तरीके के ब्रश चाहिए, लाइक हार्डर ब्रश चाहिए, सॉफ्टर ब्रश चाहिए, कैसा ब्रश चाहिए। ये है आपका जनरल ब्रश, यहां पे कुछ ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ ब्रश प्रीशेट्स, ठीक ना। सो मैंने यहां से हार्ड ब्रश चुना है। अभी आप यहां पे आकर देखो तो ये पूरा हार्ड ब्रश आपको यहां पे दिखाएगा। अगर आप यहां से जाकर सॉफ्ट चुनते हैं तो आपको यहां से देखिए सॉफ्ट ब्रश दिखाएगा, ठीक है। ये इसके ठीक बगल में ये वाला जो है, ये आपका ब्रश का लाइब्रेरी है यहां पे, मतलब ये अंदर जाना पड़ेगा और ये डायरेक्ट आपको यहां पर खुल जाएगा। सो यहां से आप बहुत सारा ब्रश है, जो भी आप ब्रश चाहो चूज कर सकते हो। There are lots of brushes. ये देखिए dispersion brush है कुछ ऐसा, ये हमने खुद से बनाया हुआ ब्रश है हमारा, तो ये सब dispersion के ब्रश हैं। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लाकर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो तो काफी बढ़िया। और यहाँ से जो भी आप कलर चूज करेंगे उस कलर के साथ यहाँ पे आपका काम करेगा। ये देखिए मैं थोड़ा येलो ले लेता हूँ, ये देखो। तो इस तरीके से आपको ब्रशेस काम करेगा और यहां पे आपको ब्रश मिल जाएंगे। यहां पे आप ब्रश को डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद का ब्रश बना भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सब दिखाऊंगा, सो बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। डन, अभी मैं यहां पर जाता हूं पहले। सो ये हमारा ब्रश का, यहाँ पे जो भी आपको लेना है यहाँ से ले सकते हो। मैं इसको बंद कर सकता हूँ, नहीं जरूरत है आप बंद करके रखिए, अननेसेसरी यहाँ पे आपको जगह ले सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो, देखो ऐसे भी काम कर सकते हो कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर लिया, यहाँ पे अपने थोड़ा सा काम कर रहे हैं और जो भी ब्रश के पैनल्स हैं, जो भी ब्रश के पैनल है यहाँ पे अपने खोल लिया। तो बहुत लोग बहुत स्टाइल से काम करते हैं, सो जो भी तरीका आपको चाहिए कर सकते हो। अगर अभी आप चाहते हो कि नहीं ये जैसा था वैसा कर दे, तो यहां पे लेके जाइए और शिफ्ट कर दीजिए, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, जैसे आप कर रहे थे डॉक्यूमेंट को, और ब्रश को बड़ा छोटा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये हो गया। अभी यहां पे ब्रश का जो काम है ना बहुत है, यानी कि अगर सपोज मान लो कि मैंने यहां से कोई ब्रश लिया है, जैसे जनरल ब्रशेस में ले रहा हूं, ये वाली ब्रशेस मैंने ले लिया और ये ब्रशेस मैंने लिया, और यहां से आप चाहो तो पूरी ड्राइंग बना सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं बना के, छोटा सा एक ड्राइंग बनाता हूं। तो जैसे मैंने यहां से ले लिया से, और अगर आप पेन टैब यूज करेंगे तो और बढ़िया बन सकता है। ये तो मैं माउस से बना रहा हूं, लेकिन अगर आप पेन टैब यूज करेंगे तो ये और बढ़िया बन सकता है। ये देखो, अब जो पहाड़ है तो पहाड़ कैसा रहेगा, तो पहाड़ को हम यहाँ पे थोड़ा क्लोज करेंगे, नहीं तो इसमें हम कलर नहीं भर पाएंगे। ये देखो,
ये क्या हो गया, ये एरिया भी क्लोज हो गया। अभी मैं फिर से ब्रश लिया, एक ऐसे रास्ता बना दिया, ठीक है। कुछ ऐसे जोड़ लिया मैंने यहां पे, कुछ ऐसे कर लिया, ठीक है। सो ऐसे हमने यहां पे एक ड्राइंग बना लिया है। अभी ये ड्राइंग अगर हम पेन टैब से बनाएंगे तो ये काफी अच्छा ड्राइंग हो सकता है। चलिए, तो अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये ड्राइंग बना लिया। अब मैं इसके अंदर कलर भर के दिखाता हूं आपको कैसे। सो मैंने एक नया लेयर लिया और नया लेयर लेके मैं आ जाऊंगा ब्रश में, और ब्रशेस में आकर यहां से मैंने सॉफ्ट ब्रश ले लिया। पहाड़ कैसा होता है तो थोड़ा सा ग्रेइस एंड ब्लैकिश होगा ऐसा। आप यहां पे आ जाओ, कलर भरो। भर दिया हमने कलर। अभी आप सोचोगे कि सर ये कलर तो आपने भर दिया मगर कलर उतना अच्छा तो हुआ नहीं जितना अच्छा हमारा ड्राइंग बना हुआ था, जिस तरीके से कलर हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं है, अभी क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से लेना है मैजिक वैंड टूल और इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना। देखो सिलेक्ट कर लिया इस एरिया को, और अब हम इसमें जाएंगे और इसमें जाके करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, और करने के बाद यहां से हम ले लेंगे इरेजर टूल और इरेजर टूल लेकर इन सबको इरेज कर देंगे। ये देखो एकदम प्रोमिनेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम है? ये देखो एकदम प्रोमिनेंट तरीके से आपका यहां पे हो गया। ये देखो क्लियर। ओके, अभी लेकिन देखो कि ये लाइन यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहां पे भी ब्रश लेंगे और इनको एड ऑन कर लेंगे। ये देखो मिक्स कर देंगे ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। ये देखो हो गया हमारा। अभी हमें यहां पे आना है, अभी हम नेक्स्ट यहां से एक लेयर लेते हैं और आ जाते हैं यहां, इसके अंदर। एंड आई विल फिल द कलर और पुट इट इन अ बिलो ऑफ दिस लेयर। ओके, यहां पे हो गया। अब एक और नया लेयर लीजिए, अब यहीं पे इसका डार्क वैल्यू भर दीजिए। एंड डोंट वरी, हम सब अलग अलग लेयर में कर रहे हैं तो हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम होने वाली है नहीं यहां पे। ये देखो अभी आप यहां पे आएंगे, इस लेयर को ऊपर रखेंगे। ये देखो यहां पे देख रहे हो, यहां पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, बट डोंट वरी, वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे। कैसे, ये देखिए यहां से अभी हम जाएंगे इरेजर में और ये ग्रीन वाला में जाएंगे, और यहां से भी हम सॉफ्ट इरेजर ले लेंगे। इरेजर को भी हम सॉफ्ट लेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड वाला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर देंगे तो ये ब्लेंड होता हुआ आपको दिखेगा। ये देखो दिख रहा है ना ब्लेंड होता हुआ, ये देखिए डन। अभी इसमें आ जाते हैं और अभी मैं यहां से थोड़ा सा हार्ड कर लेता हूं इसको, और ये रास्ता से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये देखो उधर भी चला गया, बट डोंट वरी, आप यहां से आके ब्रश से फिर से पेंट कर लीजिए। ये देखिए सर वो कंट्रोल शिफ्ट आई वाला क्या था? इनवर्स सिलेक्शन, अच्छा, हाँ इनवर्स सिलेक्शन। अभी मैं इधर आता हूं और इधर भी आकर इसके अंदर कलर भरता हूं। जैसे आप पेंटिंग करते हो यहां पे सेम ब्रश काम आपको करेगा।
ऐसा हो गया ये, अभी आप यहां से इरेजर ले सकते हैं और इसके बाहर बाहरी वाले जो हिस्सा है उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप पेन टैब से करोगे ना तो 10 गुना आसान हो जाएगा ये। देखो हो गया ऐसा। तो इस तरीके से आप ब्रश का काम कर सकते हो और ब्रश से आप यहां पे ड्राइंग वगैरह कर सकते हो। अभी जैसे देखो ये वाला मैंने ऐसे ब्रश किया, अभी मैंने ये इसका जो ड्राइंग है ना वो बंद कर देता हूं। देखो एकदम आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो एकदम पूरा आपको मिलता जुलता हुआ दिखेगा। अभी मैं चाहता हूं कि इधर थोड़ा ब्रश लूं और थोड़ा सा इसका लाइट कलर, मतलब कि जिधर धूप लग रहा हो जैसे, थोड़ा सा लाइट कलर इधर, मैं थोड़ा इधर लाइट कलर डाल दूं। तो आप एक नया लेयर ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, आप इसकी ओपेसिटी कम कर लीजिए, थोड़ा सा फ्लो कम कर लीजिए, और इधर अगर धूप जैसा कुछ दिखाना दिखा सकते हो, ये देखो सी। सो ब्रश का इस्तेमाल पेंटिंग वगैरह करने में बहुत ही ज्यादा काम आता है, जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये तो है ब्रश। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि मैं ये सबको अभी बंद कर देता हूं, ठीक है, और मैं अभी एक छोटा सा ट्री बनाता हूं, छोटा सा ट्री, और मैं पेन टैब अभी यूज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पेन टैब यूज करूंगा तो इसमें जो चीजें आएंगी वो बहुत ही डिफरेंट आएंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा पेन टैब से करके आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। अभी मैं आपको पेन टैब से कर रहा हूं, तो पेन टैब और माउस में क्या फर्क है आपको एक चीज मैं समझाता हूं। ये देखिए यहां पे अगर आप ब्रश में आएंगे ना, तो ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये है प्रेशर, कि आपको प्रेशर आप दे सकते हो यहां पे, दिस इज द एयर ब्रश एंड दिस इज द ऑलवेज यूज प्रेशर। तो प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर का मतलब होता है कि आप जितना प्रेशर दोगे उस हिसाब से वो चीज आएगा। ये देखिए माउस में आप प्रेशर दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर लेता हूं, इसको भी फुल कर लेता हूं। ये देखो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? वो इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप माउस में आप प्रेशर थोड़ी ना इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको क्लिक करना है, अगर आपके माउस को क्लिक करना है देन क्लिक करना है, नथिंग एल्स। आपको क्लिक तो करना पड़ेगा, आप उसमें हल्का और जोर से क्लिक नहीं कर सकते, नॉर्मल क्लिक कर सकते हो। बट इन पेन टैब यू कैन यूज प्रेशर, लाइक आप इसको ऑफ कर दो और इसको ऑफ कर दो। देखो अभी मैं पेन टैब से कर रहा हूं तो ये सिंपल आ गया लाइन। अगर मैं इसको प्रेशर ऑन कर दूं तो ये देखिए, ये देखो प्रेशर आ गया, सी ये अभी प्रेशर काम कर रहा है। अभी मैं यहां पे जोर से करूंगा तो देखो जोर से आएगा, फिर मैं धीरे ले जाऊंगा धीरे जाएगा, देखो। सो दिस इज पेन टैब। अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं और इसको भी ऑन कर दूं, ये देखिए, जो कि ये चीज कभी माउस में पॉसिबल नहीं है, सी। तो अगर हमें यहां पे घास वास बनाना हो तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। और बहुत डिटेल आप चीजें कर सकते हो, देखो बहुत डिटेल चीजें कर सकते हैं यहां पे। सो दिस इज पेन टैब। सो दैट्स वाई पेन टैब जो है ना, हर एक ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप पेन टैब यूज करें, ठीक है ना। सो यहां तक हो गया अभी। तो अभी मैं अगर इससे ड्राइंग बनाऊंगा ना, तो आपका ड्राइंग बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो चलिए अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूं, एंड अभी मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूं। तो मैं ये प्रेशर को थोड़ा सा बंद करके रखता हूं। मजेदार चीज है ना, ये देखिए आपका पूरा का पूरा पेड़ आप यहीं बना लिए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहां से आप रोटेशन आप यूज कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ड्राइंग वगैरह बनाना चाहो बहुत खूबसूरत ड्राइंग आप बना सकते हो। देखो पूरा पेड़ जैसा आपको दिखेगा। अभी दिख रहा है कि इधर वाला पोर्शन ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो डोंट वरी, टेक अ इरेजर टूल। ओह माय गॉड,
ओके, ये मैंने एक छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। वो गलती ये कर दिया मैंने कि मैंने ना ये सेम जगह में बना लिया है, ठीक है, सेम जगह में हमने बना दिया है। तो ये आप एक आपका यहाँ पे काम हो सकता, अगर अलग लेयर में कर दिया होता तो ये आराम से डिलीट हो जाता, बट अभी डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसको एक ही लेयर में बना लिया है। डन। तो इस तरीके से आप देखो एक ट्री अच्छा खासा आपको यहाँ पे बन के मिल सकता है। इवन हम इसके और भी चीजें हम खुद से भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हो गया ब्रश का इस्तेमाल करना। ब्रश आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं और आता हूं यहां पे, एंड यहां से आकर मैं और भी ब्रशेस चूज कर लेता हूं। कुछ कुछ ब्रशेस और भी है, जैसे सैंपल राउंड ब्रश। ये देखिए, ये मैंने एक्चुअली बनाया हुआ ब्रश है, ये मेरा बनाया हुआ ब्रश है। सो आप यहां पे आप इसको ऐसे ब्रश में आप जाएंगे, आप थोड़ा नीचे जाएंगे, एंड जैसे ये देखो, तो इससे आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने खुद बनाया था। तो मैं कैसे बनाऊंगा ये ब्रश, कैसे आप बना सकते हो, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो डोंट वरी, जस्ट वेट। तो यहां पे ये हो गया अभी। अभी उसके बाद यहाँ पे ब्रशेस, बहुत सारे ब्रशेस हैं। जो भी ब्रशेस आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला एक ब्रश है, इन द मून मिड नाइट समथिंग, कुछ ऐसा। आप इसको छोटा कर लें, ये देखो कुछ इस तरीके के भी ब्रशेस यहां पे हैं, अवेलेबल है। ये देखो, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रश जो आपको यूज करना है आप यहां पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रश, अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे खुद से ब्रशेस बनानी है तो मैं खुद से कोई ब्रश कैसे बनाऊंगा। हाउ कैन वी क्रिएट अ ओन ब्रश, लाइक जो भी मुझे जरूरत है उस तरीके की ब्रश मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्रशेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो क्लास है तीन सेगमेंट्स में रहेगा। पहला तो ये कि आप ब्रशेस कैसे करते हैं, वो जो मैंने दिखा दिया। दूसरा सेगमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका कि हम ब्रश कैसे बना सकते हैं, हाउ टू क्रिएट आवर ओन ब्रश। तो सपोज मान लो कि आपको पेड़ के पत्ते वाले ही कुछ वैसे बनाने हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप जाइए पॉलीगन लैशो टूल में, और वैसा ही कुछ बनाना है तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक पत्ते बना लिए, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आ गया। कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे चाहिए ऐसा। अभी आपको क्या करना है, आपको इसमें कलर भर देनी है, जो भी कलर भरना है भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। डन, ये हमारा कलर हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये बैकग्राउंड को ऑफ करना है, एंड देन कम टू द रेक्टेंगल मार्कर टूल एंड सिलेक्ट दिस एरिया। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिट एंड द डिफाइन ब्रश प्रीशेट। डिफाइन ब्रश प्रीशेट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ब्रश का नाम देना है, तो नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे मैंने ए ए ए ऐसे नाम दे दिया, एंड जस्ट क्लिक ओके, सेव हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको आप बंद कर दीजिए, एक नया लेयर ले लेता हूं, एंड जाता हूं मैं ब्रश में। तो ब्रश में आप जब जाएंगे ना तो आपको ये ब्रश यहां पे दिखेगा, ये देखो ए ए ए सी सी। अगर अभी आपको पेड़ बनाने हैं तो मैं चलिए आपको पेड़ पहले बनाकर दिखा देता हूं। सो पहले तो मैं यहां से ले लेता हूं अपना जो हमारा ब्रश है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो ब्रश है वो ले लेते हैं हम, और हमने यहां पे कर लिया लाइक ऐसा कुछ, और अभी आप यहां से इनको ऑन कर लीजिए। पेड़ बेसिकली ऐसे ही रहता है। अब हम अगेन नेक्स्ट लेयर लेंगे, एंड देन आई विल गो टू माई ब्रश।
जो हमने बनाया है अभी, तो उसके लिए आप नीचे जाइए, नीचे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे जब आप इसको लेंगे ना, तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, इन सबको ऑफ कर दीजिए, नहीं तो ये प्रेशर काम करने लगेगा। अब यहाँ से जो कलर का ब्रश चाहिए, मतलब जो कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। देखिए सी छोटा कर लेते हैं, ये देखो, तो इस तरीके से आप यहां पे एक अच्छा खासा पूरा पेड़ का वो बना सकते हो, और काफी बढ़िया दिखने वाला पेड़, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डुप्लीकेट लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए, नहीं थोड़ा सा भी हम इधर, सो जितने भी टहनियां रहेंगी उस हिसाब से आप यहां पे बहुत अच्छा खासा बना सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें ब्रश से करते हैं, और खुद के ब्रश को हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिखाया जाए जैसे और कुछ, तो अगर मान लो सपोज कि मैंने यहां से एक और मैं ब्रश बनाता हूं, जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि मुझे आईब्रोज बनाने हैं, हो गया, अभी आप यहां से ले लो एंड इसमें कलर भर दो, कोई भी कलर भर दो, क्योंकि ब्रश तो हम किसी से भी बना सकते हैं, एंड ब्रश में हमें जो कलर डालना होगा हम डाल सकते हैं। यहाँ पे गया, एडिट में गया, एंड जाते हैं यहाँ से ब्रश प्रीशेट में, डिफाइन ब्रश प्रीशेट, एंड यहाँ पे कर देते हैं आई ब्रो, एंटर, दैट्स इट। ये देखिए बन गया आपका। अभी आप यहाँ पे नया लेयर ले लीजिए, और यहाँ से आकर जो कलर में चाहिए उस कलर में आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखो। एंड अगर आपको इसको फ्लिप करनी है तो आप यहां पे आ जाओ, और यहां से आप डायरेक्ट फ्लिप कर सकते हो, ये देखो। तो हम ब्रश को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। अभी यहीं पे अगर मैं इस पुराने वाले ब्रश की बात करूं जो अभी अभी मैंने बनाया था, लाइक ये वाला ब्रश, अभी देखो यहां पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, जैसे मान लो कि मैं यहां पे हूं, सो दिस इज अ सिंगल। आप यहां पे आओ, इस ब्रश सेटिंग के अंदर में आओगे तो यहां पे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक्स में आपके आप शेप जीटर कर दो, थोड़ा मैक्सिमम डायमीटर को सेट कीजिए, थोड़ा सा एंगुलर कर दीजिए, एंड इसको एंड मैक्सिमम राउंडनेस थोड़ा सा ऐसे रखो। अभी आप यहां पे देखो, एक बार आप क्लिक करोगे ना, ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करोगे, इतने सारे आपको आ जाएंगे, ये देखिए, ये देखो। तो ये शेप डायनामिक्स है, शेप डायनामिक्स का मतलब ही होता है कि आप मल्टीपल शेप में वो आएगा। और ये देखो यहाँ पे कंट्रोल जो है पेन प्रेशर ऑन कर लो, तो ये पेन प्रेशर के साथ काम करेगा, ये देखिए, ये देखो। पेन प्रेशर से काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। सो एंगल जीटर्स एंड द मैक्सिमम डेमेटर्स, ये सारी चीजें आप यहां पे कंट्रोल, देखो कंट्रोल में यहां पे पेन प्रेशर नहीं है, तो आई विल जस्ट मेक द पेन प्रेशर, पेन प्रेशर, सो एवरीथिंग विल कंट्रोल बाय द पेन का प्रेशर, सो दिस इज अमेजिंग। अभी ही यहां पे सेम चीज में अगर आप सेम जैसे सेप डायनामिक्स, अगर आपने इसको यहां पे कर दिया स्कैटरिंग, एंड इफ यू विल डू दैट, सो एक ही क्लिक में यहां पे ये स्कैटर होगा, ये देखो, ये देखो। एंड अगर आपको मल्टीपल कलर में चाहिए, देन जस्ट क्लिक ऑन द कलर डायनामिक्स एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइक ह्यू जीटर एंड द सैचुरेशन ब्राइटर, एंड देन सी यू विल गॉट द मल्टीपल कलर वैल्यू इन अ सिंगल ब्रश टोन, सी। सो आप इसको छोटा कर लीजिए, एंड छोटा करके अभी आप यहाँ पे करके देखिए, ये देखिए, जितनी बार आप उसको ये करते जाएंगे, ब्रश करते जाएंगे, ये देखो पूरा एकदम और मस्त वाला एक आपको इफेक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रश एंड कलर डायनेमिक्स जो कि ब्रश में यूज होता है। सो दिस इज द थिंग्स जो कि आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, जैसे आप कहीं पे घास वास बना रहे हैं तो आप घास वास में थोड़ा सा आप इसको डाल सकते हो। अब कुछ पत्ते आपने ऐसे दिखाने हैं कि जमीन पे पत्ते गिरे हुए हैं, तो वहां पे भी आप एक पत्ते को ब्रश बना लिया, एंड देन आप उसको ऐसे स्कैटर करके आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रश को, अपना खुद के ब्रश को बना के भी आप मल्टीपल तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है कि हाउ टू डाउनलोड ब्रश एंड यूज इन फोटोशॉप।
आप कुछ नहीं, सिंपल सा यहां पे लिखिए फोटोशॉप ब्रश डाउनलोड, फोटोशॉप ब्रश डाउनलोड। सो यहां से आपको फोटोशॉप ब्रश डाउनलोड मिल जाएगा, और यहां पे बहुत सारे साइट आपको मिलेंगे, मगर जो मेरा फेवरेट साइट है वो है www.brusheasy.com। ये वाला साइट पे आप जाइए, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको हजारों ब्रश मिलेंगे, जो भी ब्रश आपको चाहिए आप यहां से ले सकते हैं। जैसे आपको लेंस फ्लेयर की ब्रश चाहिए, बबल्स वाली ब्रश चाहिए, आपको स्प्रे पेंट का ब्रश चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, रेन का ब्रश चाहिए, चारकोल का चाहिए, नेक्स्ट पेज में जाइए और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए स्प्रे पेंट का ले लेता हूँ, मैंने क्लिक किया एंड देन आई विल क्लिक ऑन द डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड कर लिया मैंने, और ये यहां से पूछ रहा है तो मैं यहां पे डाउनलोड कर देता हूं। ये डाउनलोड हो गया, अभी इसको कैसे इंस्टॉल करना है चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं फटाफट। सो आपको पहले जाना है फोल्डर में, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और यहां पे आपको मिलेगा ये वाला ब्रश, इसको आप कीजिए कॉपी दिस पीसी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स एडोब, उसको जाना है एडोब फोटोशॉप 2021, देन प्रीशेट्स ब्रशेस, और यहां पे लाकर इसको पेस्ट कर दीजिए, कंटिन्यू। ठीक है, इस सर हाँ सर ये वाला एक बार पहले से बोलना कहाँ से बताऊँ बोलो। सर, ये जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो जो डाउनलोड किए कैसे कौन सा लिंक? कौन सा लिंक से डाउनलोड किए? डाउनलोड यहां पे आप जाओगे, डायरेक्ट लिखोगे फोटोशॉप ब्रश डाउनलोड, यहां पे एक ब्रश इजी डॉट कॉम बोलकर एक साइट है, वहां पे जाना है, ब्रश आपको चूज करना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक हो गया, उसके बाद आना है आपको अपने फोल्डर में, आपको अपने फोल्डर में आना है, फोल्डर में आकर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, लाइक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसके अंदर जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल के अंदर एडोब, एडोब के अंदर एडोब फोटोशॉप, उसके अंदर प्रीशेट्स, और प्रीशेट्स के अंदर मिलेगा आपको ब्रश, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बस यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो चुका है, डन। अब हमें इसे फोटोशॉप में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर अभी ये तो हो गया यहाँ पे, अगर अभी आप डायरेक्टली फोटोशॉप में यूज करेंगे ना, आपको वो ब्रश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो आप एक बार इसको रिस्टार्ट कीजिए, फोटोशॉप को एक बार आप रिस्टार्ट कर दीजिए। सो मैंने यहां से रिस्टार्ट कर लिया, अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और वो वाला मुझे ब्रश चाहिए, तो आपको जाना है ब्रश में, आप यहां पे जाएंगे और ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहां पे आपको मिल जाएगा 20 स्प्रे पेंट ब्रश, क्लिक कर दो एंड ओके कर दो। जैसे क्लिक करके ओके करोगे ये आपको यहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब यहां पे ढूंढो कहां पे है, सो इधर ही कहीं पे होगा, ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए ऐसे। सर वो इंपोर्ट ब्रश तो आप अभी तो कर सकते हैं हाँ जी, सर, वो इम्पोर्ट ब्रश ऑप्शन से भी तो कर सकते हाँ हैं। हाँ इम्पोर्ट ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि इससे वो आपका डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर में आ जाएगा। ये देखो ये डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर में आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे जाकर आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट ब्रशेस जहाँ पे आपने रखा हुआ है वहां से आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे इम्पोर्ट ब्रश करा, आप जाएंगे यहाँ पे डी ड्राइव में एंड जहाँ पे भी हमने 20 ब्रशेस ये रखे हैं यहां से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये कर देने से क्या होगा कि ये आपके फोटोशॉप के फोटोशॉप में इनबिल्ड हो गया, मतलब वो इंस्टॉल हो गया फोटोशॉप में, अभी आप आराम से उसको कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमको 20 स्प्रे पेंट ब्रश मिल गया, ये देखिए। अभी आप यहाँ पे आइए और आके एक नया लेयर ले लीजिए, ये देखिए। सो जो भी आपको पेंट वाला चाहिए, जो
जो भी कलर में चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कोई भी ब्रश को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में रखते इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।